हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवला मुरब्बा की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 kg आंवला लिया है। आंवला को अच्छे से वॉश करके हमने एक कपड़े से पोंछ कर लिया है। एक पतीला लिया है, पतीले में हम पानी डाल देंगे और पानी को गर्म कर लेना है। आंवला में हमें काटा चम्मच से छेद कर लेना है ताकि इसमें चाशनी, आंवले में चाशनी अंदर तक भर जाए। सभी आंवले में हम छेद कर लेंगे। पानी यहाँ पे उबल गया है, अब हम इसमें आंवला ऐड कर देंगे। आंवला को हमें एक एक करके डाल देना है। आंवला को हमें 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। थोड़ा सॉफ्ट होने तक हमें बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पे आंवला हमारा बॉईल हो गया है, अब हम निकाल लेंगे। तो एक छलनी में हमें निकाल लेना है और पानी इसका स्ट्रेन कर लेना है। आंवला को हमने छलनी में निकाल लिया है। गैस पे हमने एक पैन रख दिया है, अब हम आंवला को ऐड कर देंगे। 1 किलो हमने आंवला लिया है, तो 1 किलो हम चीनी लेंगे। तो चीनी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1 कप हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, आंवला ही ज़्यादा पानी छोड़ता है, इसलिए हमें कम पानी डालना है। तो अब हमें चीनी को मिक्स कर लेना है और चाशनी बना लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा पानी हो गया है। आंवला को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता फ्रेंड्स, तब तक हम आंवला को पकाएंगे। चाशनी हमारी यहाँ पे थोड़ी चिपचिपी हो गई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आंवला का कलर चेंज होने लगा है। 1/2 चम्मच हम काला नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हमने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है। तो यहाँ पे आंवले का कलर एकदम गुलाब जामुन जैसा हो गया है और देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमारे आंवले बन गए हैं। मुरब्बा हमारा बनके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और एक स्टील के बर्तन में हम मुरब्बा को निकाल लेंगे। मुरब्बा बनाने में बहुत ही ईजी है। आंवला तो खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। अब हमें आंवला मुरब्बा को 2 दिन के लिए ढककर रख देना है। 2 दिन हो गए हैं, तो अब हमें निकाल लेना है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आंवले के अंदर तक चाशनी भर गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।